नमस्कार। महाराष्ट्र टीवी 24 के पॉलिटिकल टॉक के शो में आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है, बीजेपी की कद्दावर नेता शिवानी दानी जी यहाँ पर मौजूद है। इनसे हम लोग जानेंगे कि बीजेपी को किस तरीके से ये देखती है आने वाले विधानसभा चुनाव में, और किस तरीके से बीजेपी परफॉर्म करेगी, और विपक्ष ने जो जो इल्ज़ाम लगाए हैं बीजेपी पर उसके बारे में शिवानी मैडम का क्या कहना है। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप ग्राउंड पे काम करती है, फील्ड पे जाती है, देखती है, लोगों की समस्याएं जानती है, क्या लग रहा है मैम, क्या एनालिसिस है आपका कि बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में कैसा परफॉर्म करेगी? निस्संदेह बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। नागपुर ही नहीं, विदर्भ ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी की अच्छी सीटें आएगी। हम महायुति में लड़ने वाली एक पक्ष रहेंगे और बीजेपी के विकास कामों से जनता काफ़ी संतुष्ट है। जनता साफ फर्क कर पा रही है कि 2.5 साल में रुके हुए काम, उसके पहले 5 साल देवेंद्र जी के नेतृत्व में हुए हुए काम, और 2.5 साल के अंतराल के बाद इस 2.5 साल में किया हुआ देवेंद्र जी ने काम, ये सारी चीज़ों को देखते हुए भाजपा का प्रदर्शन ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, सब सबके उम्मीदों से अच्छा रहेगा। शिवानी मैम, विपक्ष इल्ज़ाम लगाता है कि जो नागपुर में हुआ है वो अनियोजित विकास है, एक बारिश भी झेल नहीं पाए ये सारे सीमेंट रोड, लोगों के घरों में 5-5 फीट तक पानी घुसाया, लोग त्रस्त हो गए, उनका खाना खराब हो गया, उनका जीवन खराब चल रहा था उस समय, उनके बच्चे पानी में बह गए। इस विपक्ष के इल्ज़ाम को आप किस तरीके से देखती है? सत्यता यही है कि उस दिन जब बारिश आई थी तब बहुत ज़्यादा विनाश नागपुर ने देखा था, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन ये चीज़ को भी हमने स्वीकार करना बेहद ज़रूरी है कि वो बहुत कम अंतराल में आई हुई बहुत ज़्यादा बारिश थी, जो एक ही बार आती है बहुत सालों में। ये बात भी उतनी सच है कि विकास वैसा होना चाहिए कि ऐसे अनसर्टन होने वाले इंसिडेंट्स को भी फेस करने की ताकत उस विकास में होनी चाहिए, लेकिन इतने कम समय में इतने ज्यादा मिलीमीटर की बारिश होगी ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इट वॉज लाइक अ स्टॉर्म बर्स्ट, क्लाउड बर्स्ट, वो क्लाउड बर्स्ट के समान, बादल फटने समान उस दिन बारिश हुई थी। मैं खुद उसकी एक भुक्तभोगी हूँ कि हमारे घर में भी, मैं ऐसे एक भौगोलिक जगह पर रहती हूँ कि जहाँ पर अंबासरी और फुटाला का एकदम दोनों का एक डाउन पॉइंट मिलता है, वहाँ पर हमारे मेरे खुद के घर में 1 फिट का पानी था। लेकिन वो ये उसका प्रमाण नहीं हो सकता कि एक बारिश आती है तो 1 फिट का पानी आता है। उस दिन के बाद हमारे घर में बिल्कुल भी पानी नहीं आया, और जिस इलाके में पानी गया था वो उस दिन जो हुआ वो बेहद दुखदायी था। लोगों का लाखों में नुकसान हुआ, उसके तुलना में जो नुकसान भरपाई हुई वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं थी। मैं ये स्वीकार करती हूँ, लेकिन इसका ये इल्ज़ाम नहीं हो सकता, ये आरोप नहीं हो सकता कि एक भी बारिश आती है तो पानी भर जाता है। उस दिन क्लाउड बर्स्ट हुआ था जिसकी वजह से ये पूरी परिस्थिति को हमको देखना पड़ा था, लेकिन उसके बाद आज कल परसों देवेंद्र जी ने एक भूमि पूजन किया जिसमें सीवेज लाइन हो, स्टॉर्म लाइन वाटर हो, एक चीज़ हमको स्वीकार करनी पड़ेगी कि पहले एक जहाँ पर एक फ्लोर का मकान हुआ करता था वहाँ पर अब बिल्डिंगें बन रही है, जहाँ पर एक फैमिली का सीवेज निकलता था वहाँ पर अभी 6-6, 8-8, 10-10 फैमिलीज का सीवेज निकलता है। सो जो सीवेज ड्रेनेज लाइन है वो उसको सफिशिएंट नहीं उसको कैरी कर पाने में, जो कि 30-30, 40-40 साल पुरानी बनी है। सो स्टॉर्म लाइन वाटर, सीवेज ड्रेनेज लाइन वाटर और STP, इन तीनों के लिए अभी देवेंद्र जी ने एक पूरा दक्षिण पश्चिम के लिए पूरा का पूरा एक आरा खड़ा तैयार किया जिसका भूमि पूजन अभी उन्होंने किया है, और उसमें कोई दोहराए कोई भी मत रखिए कि वापस उस वो इलेक्शन के पहले किया, इलेक्शन के बाद वो रुक जाएगा। ये कोई उद्धव वासव ठाकरे की सरकार आने नहीं वाली है कि जो हर कामों को एक ब्रेक लगा देती है। वापस देवेंद्र जी के नेतृत्व में सरकार आएगी और ये काम जिसका भूमि पूजन किया है ये जब वापस अस्तित्व में आएंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स जिसका उल्लेख अभी आपने किया कि एक बारिश आती है तो पानी घर में चला जाता है, वो सारे प्रॉब्लम से जीवन भर के लिए छुटकारा हमको इस काम की वजह से मिलेगा। शिवानी मैम, आपने उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी की बात की, 2.5 साल उनकी भी गवर्नमेंट महाराष्ट्र में रही है, और उनके गवर्नमेंट में वो लोग ये क्लेम करते हैं कि कोरोना के जो टफ टाइम था
वो उनके गवर्नमेंट ने निकाला, उनके गवर्नमेंट ने बड़े बड़े अस्पताल बनाए, 100-100 बेड्स के अस्पताल रातों रात खड़े कर दिए गए, साथ ही साथ उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की आपूर्ति सही से की। और अगर हम लोग देखें, उनका ऐसा मानना है कि बीजेपी की जब से गवर्नमेंट आई है तो भ्रष्टाचार बढ़ा है, बीजेपी की जब से गवर्नमेंट आई है तो पुलिस वालों के ऊपर में दबाव बढ़ा है। क्या आप इन सब चीज़ों को मानते हैं? ये सारे आरोप करना मतलब 100 चूहे खाके बिल्ली चली हज को वैसा हो जाएगा। 100-100 करोड़ की वसूली करने का प्रेशर ये उनके वक्त वाजे पर था, उनके गृहमंत्री थे जो टारगेट देते थे कि आपको 100-100 करोड़ की वसूली करके आनी है। हमारे वक्त ऐसी 100 करोड़ की वसूली नहीं हो रही। इनके मुख्यमंत्री वो थे जिन्होंने पूरे 2.5 साल, जितना भी 2 साल का कोरोना हुआ, फर्स्ट वेव सेकंड वेव, ये उनके मुख्यमंत्री दोनों के दोनों टर्म पूरा टाइम खुद के घर से फेसबुक लाइव करने के अलावा कुछ भी नहीं करते थे। बाकी दूर क्यों जाए, हम जिस शहर में बैठे हैं वहाँ पर कई बेड्स के अस्पताल और ऑक्सीजन की पूर्ति ये किन के वजह से हुई, ये किसी छोटे बच्चे को भी जाकर पूछ ले तो भी वो बताएगा कि ये नितिन जी और देवेंद्र जी की वजह से हुआ है। किस तरीके से देवेंद्र जी और नितिन जी के माध्यम से, किस तरीके से नितिन जी ने रातों रात डिफेंस के एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करके विशाखापट्टनम से ऑक्सीजन नागपुर में ले आए, वो केवल और केवल नितिन जी थे, उनके प्रयासों की वजह से नागपुर में कई लाख लोगों के, क्योंकि हम जब नागपुर की बात करते तो नागपुर ये सेंट्रल प्रोविंस में आता था पहले के जमाने में, नागपुर के इर्द गिर्द जितने भी शहर आते हैं वो पूर्व विदर्भ हो, पश्चिम विदर्भ हो, इवन मध्य प्रदेश के कुछ इलाके सौंसर छिंदवाड़ा तक, वो सारे के सारे जो मरीज है वो नागपुर में आते हैं। सो नितिन जी के माध्यम से, केवल नितिन जी और देवेंद्र जी के माध्यम से नागपुर में इतने बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन मुहैया कराया गया। वहाँ कहाँ ये महाबिगाड़ी सरकार के नेता थे और उनके मंत्री थे जो कि ये सारी चीज़ें कर रहे थे, ये तो केवल नितिन जी और देवेंद्र जी थे जिनकी वजह से नागपुर में कई लाख लोगों के जीवन बचे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये क्या भ्रष्टाचार और ये क्या पुलिस को दबाव में रखने की बात कर रहे हैं? इनके वक्त तो प्रेस को, आप पत्रकार है भाई साहब, इनके वक्त को तो, इनके वक्त में तो प्रेस वालों को बात करने की कोई मतलब कोई यही नहीं थी कि वो कहीं कुछ भी बात कर सकते, फ्रीडम ही नहीं था, फ्रीडम टू प्रेस जिसको हम बोलेंगे, फ्रीडम टू प्रेस ही नहीं था। हम अर्णब गोस्वामी को किसी ने आवाज उठाई, हम देख सकते हैं अर्णब जी को किस तरीके से कोई एक आतंकवादी हो या गुंडा हो या कुछ हो, उस तरीके से उनको उनके घर से रातों रात उठाया गया, प्रेस तक को भी फ्रीडम टू प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दिया गया। ये क्या दबाव की बात करेंगे? इनके ज़माने में ये जो बोलेंगे वो पूर्व दिशा, घर में बैठो, कोमट पानी पियो, फेसबुक लाइव करो, बड़े बड़े बात करो, टूल किट चलाओ, बेस्ट सीएम का अवार्ड खुद चलाओ, खुद दे दो, उसके पुरावे सामने आते तो ट्विटर पर फिर पोल खुल जाती है क्योंकि सब लोग एक ही तरीके के ट्विटर ट्वीट्स करते हैं करके। सो ये उनका ट्रेंड था, 2.5 साल का एक ये है कि उनको एक आनंद था कि मुझको भी सीएम बनना है, उनका एक हट था वो पूरा हो गया, लेकिन उसकी वजह से महाराष्ट्र का जो उन्होंने नुकसान किया है उसको कभी जनता माफ नहीं करेगी। शिवानी मैम, कई सारे विपक्ष के दल ये आरोप लगाते हैं, खासतौर से नागपुर पे, कि इनके समय में जो विकास किया गया या इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट किया गया उसकी रफ्तार बड़ी धीमी है, ये सिर्फ मशीनरी एक बिल्ड करते हैं, एक पीआर बिल्ड करते हैं कि हमने इतना जल्दी कर दिया, इतना जल्दी कर दिया, पर धरातल पे अगर उतर के देखें तो कोई जो चीज़ है अगर उसका उद्घाटन कर रहे हैं या उसका भूमि पूजन कर रहे हैं तो वो उसके अंजाम तक नहीं पहुंचती, ऐसा विपक्ष का आरोप है। कौन आरोप करता है और किसके आरोपों को कितना सीरियसली लेना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन राजनीति में बहुत बार हम पिक एंड चूज नहीं कर सकते। नागपुर मेट्रो की बात करते हैं, नागपुर मेट्रो का उद्घाटन 2014 में, भूमि पूजन 2014 में मोदी जी ने किया था और 2019 के पहले फर्स्ट फेज का इनॉग्रेशन भी मोदी जी ने किया, महज 4.5 साल में कंप्लीट किया हुआ प्रोजेक्ट जी। ये मोदी जी के उपस्थिति में देवेंद्र जी और नितिन जी के माध्यम से ये नागपुर वालों ने पहली बार पूरे देश की सबसे फास्टेस्ट बनी हुई मेट्रो कंप्लीट किया, वो मेट्रो नागपुर वालों ने देखा है। जब राजीव नगर का बोर्ड लगा था, राजीव नगर स्टेशन वहां पर लिखा था, जो अभी जयप्रकाश नगर स्टेशन है वो बोर्ड लगा था, तो हमारे दोस्तों ने फेसबुक पर पोस्ट डाला था कि वहां पर डिवाइडर के ऊपर एक बोर्ड लगा है, तो नीचे कमेंट्स डाले थे लोगों ने कि बोर्ड डाले, 15-20 साल मेट्रो बनने थोड़ी वाली है, तो सिर्फ बोर्ड लगे हैं, ये होने थोड़ी वाला है। लेकिन केवल 4.5 सालों में जब वहां पर के मेट्रो पूरी ही नहीं हुई, धावली माझी मेट्रो के जब ट्रेंड चले और उसके बाद आज थोड़े थोड़े नहीं, पहले लोगों ने उसके ऊपर भी क्रिटिसाइज किया कि मेट्रो की जरूरत ही क्या है, बनाई क्यों,
कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर लोग प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं, वहाँ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आज हमको, मुझे बताते हुए बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस होता है कि आज मेट्रो में एवरेज में 1 लाख कम्यूटर्स, 1 लाख पैसेंजर्स हर रोज़ ट्रैवल कर रहे हैं। अगर मेट्रो की ज़रूरत नहीं थी तो लोग ट्रैवल ही नहीं करते। सो ये बात एकदम गलत है कि जिसका भूमि पूजन करते उसको अंजाम तक नहीं ले जाते। ये समृद्धि महामार्ग के बारे में क्या बोलेंगे, इन्होंने भूमि पूजन किया, उसका उद्घाटन ज़रूर विपक्ष ने, तब वो सत्ताधारी थे, उन्होंने किया होगा, लेकिन समृद्धि प्रोजेक्ट जिसको परम पूज्य बाला साहब ठाकरे जी का भी नाम दिया गया है, हिंदू हृदय सम्राट, स्वीकार करते हैं क्योंकि वो हिंदू हृदय सम्राट थे, उनका नाम दिया गया, हमको बहुत आनंद है क्योंकि वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने हिंदुत्व को बहुत ज़्यादा संभाल के रखा, जिन्होंने उसका डिफेंस किया। सो हमको बहुत ज़्यादा आनंद है कि उनका नाम भी उसको दिया गया, ये अच्छा है। भूमि पूजन कोई और करेगा, हम तो उसको अंजाम पर लेकर जाते हैं, लेकिन इनकी आदत ये है, भूमि पूजन कोई और करेगा ये छल कपट के साथ सत्ता में आएंगे और हर एक चीज़ को खुद का नाम देकर चले जाएंगे। क्योंकि आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद ये हमारा कल्चर नहीं है कि हम वो दिए हुए नामों को बदलेंगे, क्योंकि उन व्यक्तियों के प्रति हमारी भी उतनी आस्था है। क्योंकि बाला साहब ठाकरे उनके पिताजी हो सकते हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे हमारे आदरणीय थे, हम उनको पूजनीय मानते थे। सो हम उनके नाम बदलने नहीं वाले। सो 30 साल 40 साल बाद खुद का नाम रहना चाहिए, टिके रहना चाहिए, ये उनकी एक कांग्रेसी विचारधारा है जो शिवसेना में भी परकोलेट हो गई और बाला साहब ठाकरे ने वो करके दिखाया, खुद के सरनेम्स हर जगह देकर। हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उस पर कोई आक्षेप नहीं करते, लेकिन ये चीज़ कि हम भूमि पूजन करते हैं, हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट करते हैं, ये आप है कि जिन्होंने 5 साल 2019 के पहले जिन जिन चीज़ों के भूमि पूजन देवेंद्र जी मुख्यमंत्री रहते हुए किए थे, वो सारे प्रोजेक्ट्स को 2.5 साल आपने रुका के रखा। सवाल जनता ये पूछती है, बाला साहब ठाकरे जी का नाम जब आप गौरव के साथ लेते हैं तो उनके चिरंजीव उद्धव जी, आप बताइए कि 2.5 साल तक मुंबई का मेट्रो प्रोजेक्ट क्यों रुका था, नागपुर का मेट्रो प्रोजेक्ट क्यों रुका था, क्यों 2.5 साल कुछ भी काम नहीं हुए। ऐसे अनगिनत प्रोजेक्ट्स के नाम दिए जा सकते हैं कि जो कि 2.5 साल इन्होंने सत्ता में आकर एक किया, कि पहले स्पीड ब्रेकर, क्या व्यवहार, क्या उनको भ्रष्टाचार करना था, उनका पाप उनके पास, लेकिन जिस तरीके से 2.5 साल प्रोजेक्ट रुके, ये महाराष्ट्र की जनता का नुकसान आपने किया है। और उसके बाद जब देवेंद्र जी द्वारा एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में फिर एक बार महायुति की सरकार बनी, तब जिस रफ्तार में ये काम चालू हुए और वो कंप्लीट हुए, वो ये बताता है कि काम करने की मंशा किसकी है, काम कौन रोकना चाहता है, कौन भ्रष्टाचार करना चाहता है और कौन सिर्फ घर में बैठ के फेसबुक के मुख्यमंत्री है। सो ये आरोप आप ना ही करें तो बेहतर है। मैम आखिरी दो सवालों की तरफ बढ़ते हैं। मैम कई लोग, आपने जैसे डेवलपमेंट की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की, कई लोग आरोप ये लगाते हैं कि पूर्व नागपुर में एक फ्लाईओवर बना है जो हिरवी नगर से जाता है शीतला माता मंदिर के पहले, वहाँ पे उसका लैंडिंग है। तो कई लोग, जितने विपक्ष आते हैं या कोई हमारे पास में वहाँ के ग्राउंड रियलिटी है, वो लोग बोलते हैं कि इसको कुकरेजा फ्लाईओवर डिक्लेयर कर दो, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर आदमी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये फ्लाईओवर बनाया गया है, ऐसा वो विपक्ष के लोग भी आरोप लगाते हैं। सो वहाँ पर क्या है कुकरेजा जी का? उनकी दो स्कीम्स हैं मैम वहाँ पर। सर दो चीज़ें, एक कि जब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, किसी न किसी को उसका फ़ायदा होता है और किसी न किसी को उसका नुकसान भी होता है, लेकिन फ़ायदा होने वालों में जो लोग होते हैं उनकी तादाद निस्संदेह हमेशा ज़्यादा होती है, करके ही वो चीज़ बनाई जाती है। वो फ्लाईओवर बना है तो वहाँ पर, मुझे नहीं पता था, आपने जब बताया वो फ्लाईओवर बना है वहाँ पर, अगर कुकरेजा जी की स्कीम चल रही होंगी तो क्या ये होने वाला है क्या, क्योंकि कुकरेजा जी के ही स्कीम में रहने वाले लोग ही वहाँ से उतरेंगे, बाकी लोग वहाँ पर उतरने नहीं वाले क्या, बाकी लोग उसका फ़ायदा करके नहीं लेने वाले क्या? सो यू कैनॉट कीप एवरीवन हैप्पी, किसी ना किसी का पेट दुखा होगा, किसी ना किसी को नुकसान हुआ होगा, तो शायद वो आरोप कर रहे हैं, लेकिन ये आरोप में कोई तथ्य नहीं है। शिवानी मैम, आने वाले समय में अगर महाराष्ट्र में सरकार बनती है, स्पेशली शिवानी दानी जी को हम लोग किस रोल में देख सकते हैं? मैं कोई चुनाव नहीं लड़ रही हूँ 2024 के विधानसभा महाराष्ट्र का जी। मेरा काम है, मेरे पक्ष के जो भी उम्मीदवार खड़े रहेंगे, मैं युवा मोर्चा की एक कार्यकर्ता हूँ, एक पदाधिकारी हूँ, महाराष्ट्र की महामंत्री हूँ। सो युवकों को मोबिलाइज करना ये मेरा काम है, जो पक्ष देगा वो जिम्मेदारी का निर्वहन करना मेरा काम है। सो
मैं चुनाव में नहीं लड़ रही हूँ तो सरकार में कोई भूमिका रहेगी ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन जो सरकार बनेगी, जो हमारे नेता सरकार बनाएंगे, उनके जरिए लोगों तक वो विकास काम पहुँचाने का काम जरूर मेरा रहेगा और वो मैं करते रहूँगी। मैम, जनता से क्या अपील करना चाहती है? कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से केवल यही अपील है, हमको बांटने वाली सरकार नहीं चाहिए। अगर बटेंगे तो कटेंगे, ये योगी जी ने कहा था, वो हमको वापस मस्तिष्क में एकदम कायम रखना पड़ेगा। हमको जात पात में एक दूसरे को नहीं विभागना है, हमको विकास की तरफ देखना है। ये चुनाव में हम जिसको चुनकर देंगे वो केवल 5 साल के लिए नहीं चुनकर देंगे, ये आपके और मेरे आने वाले जनरेशन्स के लिए, उनके भाग्य को विकास, उनके भाग्य में विकास कितना रहेगा वो लिखने वालों को हम चुनकर देने वाले। सो विकास को देखिए, कौन हमारे महाराष्ट्र का विकास चाहता है, कौन महाराष्ट्र को सही में महान राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रहा है, इसकी तरफ देखिए और वो करने वाले देवेंद्र जी और उनके सारे साथीदार हैं। तो जहाँ जहाँ पर महायुति की सरकार में जो जो नेता खड़े रहेंगे, जो जो उम्मीदवार खड़े रहेंगे, उनको चुन कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दानी मैम, आपने वक्त निकाला महाराष्ट्र TU24 के लिए। तो ये थे शिवानी दानी मैम, जो बेबाक तरीके से जिन्होंने अपनी राय रखी सारे मुद्दों पर, जो जो सवाल हमने इनसे पूछे, कोई भी सवालों से इन्होंने बचने की कोशिश नहीं की, बेबाक तरीके से अपनी राय रखी और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में इस बार जो सरकार बनेगी वो महायुति की ही सरकार बनेगी। आगे पॉलिटिकल टॉक पे और किसी सेलिब्रिटी से बात करेंगे, और किसी पॉलिटिशियन से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है। तब तक के लिए आप देखते रहिए महाराष्ट्र TV24।